जी नमस्कार साथियों, ये बात तो शाह और शहंशाह दोनों जानते हैं कि राहुल गांधी माफी तो मांगेंगे। बॉस क्या कर रहे हो? हेलो, ये बात शाह और शहंशाह जानते हैं कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से बड़ा खेद होता है जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुबह सुबह नींद भरी आंखों में बिना नहाए बिना तैयारी किए आप लोगों को परेशान करने आ जाते हैं, क्योंकि जो परंपरा रही है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की वो तो ये रही है कि दिन में व्हाट्सएप को रिचार्ज करते हैं और शाम को अपना अधकचरा ज्ञान टीवी पर आकर बांट देते हैं। चलिए कुछ भी करते हो, बेचारे मेहनत तो करते हैं, अपने बॉस की तरह प्रेस वार्ता से बच के भागते तो नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते हैं कम से कम। लंदन के वफादार हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ मुखबरी करने वाले, 9 बार नाक रगड़कर इंग्लैंड से माफी मांगने वाले, वाइसराय से पेंशन लेने वाले, हमें देशभक्ति का ज्ञान देते हैं वो भी सुबह सुबह आकर, तो हंसी आती है, रोना भी आता है, दुख भी होता है कि इस लोकतंत्र की क्या हाल कर दिया है। अब जो मैं ये लोकतंत्र के हाल पे यहां कुछ बोल रहा हूं तो ये तो लंदन में भी जा रही होगी बात, अमेरिका में भी जा रही होगी बात, लेकिन हमारे ये व्हाट्सएप नर्सरी के छात्रों को शायद इसका ज्ञान नहीं है। सरकार के कामों की आलोचना करना देश की आलोचना करना नहीं होता, सरकार देश से बनती है, देश सरकार से नहीं बनता। यह बात शाह और शहंशाह और उनके तमाम वजीरों को अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए और उनके जो भोंपू मित्र हैं उनको भी समझ लेनी चाहिए। लोकतंत्र पर, देश की स्थिति पर अगर ये तमाम चर्चाएं यहां हिंदुस्तान में खुली हवा में होती रहें, YouTube और Twitter के माध्यम से प्रसारित होती रहें, उससे लोकतंत्र मजबूत ही होगा, कमजोर नहीं होगा। जैसा कि मैंने पिछले हफ्ते आपको कहा था, चर्चा से लोकतंत्र कमजोर नहीं होता, चर्चा बंद कर देने से लोकतंत्र कमजोर होता है, और हम चर्चा करना चाहते हैं। शाह और शहंशाह दोनों को मैं एक सलाह दे दूं कि आप लोकतंत्र के किराएदार हैं, मकान मालिक नहीं है, मकान मालिक देश की जनता होती है, तो आप अपने आप को किराएदार मान के चलिए। आपसे बड़े बड़े लोगों को, आपसे कहीं बड़े कद में कहीं बड़े लोगों को इस पद पर बैठाया है जनता ने और पद से उतारा भी है जनता ने, तो हाथ जोड़कर आपसे नम्र निवेदन है कि किराएदार की तरह रहिए, मकान मालिक बनने की कोशिश मत कीजिए। वैसे ये ड्रामा क्यों हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का, आप तो जानते ही हैं क्यों हो रहा है, लेकिन आपके माध्यम से लोगों को भी हम बता दें कि ये ड्रामा हो रहा है क्योंकि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के दोस्त के कारनामों पर प्रधानमंत्री से जवाब मांग रहे हैं, और घबराई हुई भाजपा रोज नया नया शिगुफा छोड़ रही है, रोज आपका ध्यान बंटवाने की कोशिश कर रही है, रोज आपका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, रोज सवालों से बचने की कोशिश कर रही है, और ऐसी स्थिति न पैदा हो जाए कि संसद में प्रधानमंत्री बैठे हों और राहुल गांधी खड़े होकर फिर से अदानी जी का नाम ले लें। यह घबराहट है, असली ड्रामा जो हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है। हम फिर जानना चाहते हैं आप जेपीसी का गठन क्यों नहीं कर रहे, हम फिर जानना चाह रहे हैं कि आप जब राहुल गांधी गौतम अदानी का नाम लेता है संसद में, हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी जब नाम लेते हैं तब आप वो शब्द क्यों एक्सपंज कर देते हैं, तब क्यों आप कार्रवाई से वो शब्द निकाल देते हैं। लोकतंत्र के जयचंद बनना है बनिए, फिर ये मत कहिएगा बाद में कि ये इतिहास में फिर हमें जयचंद क्यों कहा जा रहा है,
इतिहास में आपको जयचंद ही कहा जाएगा अगर आप इस तरह से अपने दोस्त को ज्यादा तवज्जो दोगे और देश को नहीं दोगे। हम फिर आपसे निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अब आप देश की सोचेंगे, दोस्त की नहीं। आपके सवालों का जवाब। पवन जी, संबित पात्रा में राहुल गांधी की तुलना मीर जाफर से की है, इतिहास के संदर्भ में कितना फिट होता है? उसका जवाब उन्हें बहुत जल्दी मिलेगा और ऐसा करारा जवाब मिलेगा। हम भी इनसे कुछ कुछ सीख रहे हैं कि कैसे जवाब दिया जाता है। बहुत जल्दी कार्रवाई की जाएगी। देखा हमने देखा गोवा में उनके कितने सीटें आई, हमने देखा नॉर्थ ईस्ट में कितना भारी उनको बहुमत मिला। हम देख रहे हैं वो जहां जहां लड़ते हैं झंडे गाड़ देते हैं। मजाक करने की अब एक सीमा होती। ठीक है, आप दबाव में होंगे, ठीक है, एजेंसीज का आप पर दबाव है, हम मानते हैं। हम पर भी कोशिश की गई थी एजेंसीज का दबाव डालने की, हम दबाव में नहीं आए, आप दबाव में आ गए। स्पष्ट तौर पे कहिए कि हाँ, हम दबाव में आ गए। लोग आपके आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे कि आप कम से कम और कुछ नहीं हो, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे शाह और शहनशाह से लड़ने की, तो कम से कम ये बताने की हिम्मत जुटा पा रहे हो कि साहब हम डर गए। इट्स अ पिटी टू सी द स्पोक्सपर्सन्स ऑफ द बीजेपी कम अप अर्ली इन द मॉर्निंग विदाउट गेटिंग रेडी, विदाउट बींग इक्विप्ड विद फैक्ट्स, डिस्टर्बिंग ऑल ऑफ यू गाइज अर्ली इन द मॉर्निंग। नॉर्मली द बीजेपी स्पोक्सपर्सन्स हैव अ पैटर्न ऑफ बिहेवियर, दे गेट देयर व्हाट्सएप रिचार्ज इन द आफ्टरनून एंड देन शेयर ऑल देयर हाफ बेक्ड नॉलेज इन द इवनिंग ऑन टेलीविजन। But these are strange times. These are times when the Shah and the Shahenshah are both worried how to protect their friend, Mr. Gautam Adani. So in order to protect Mr. Gautam Adani, they will try and deflect and distract the country's attention, the media's attention, everybody's attention onto some non-issues. These are people whose ideological forefathers have been historically known to be the apologists for the British. 9 times they apologized, they got pension from the Viceroy, and they are today giving us a lecture on patriotism. It's an irony. We all know why these theatrics, why this rhetoric is happening today. Because the Shah and the Shahenshah are mortally scared of the word Adani. They are afraid of Rahul Gandhi's demand for a JPC. They are afraid of the opposition's demand for a JPC. So much so that when Mr. Mallikarjun Kharge speaks in the house, his remarks are expunged. Mr. Rahul Gandhi's remarks are expunged because those remarks carry the name Gautam Adani. So these are the issues that they are afraid of. These are the reasons why they are trying to distract our attention. The Prime Minister, the government, each one of them must be reminded that they are tenants of democracy, they are not the landlords of democracy. Before them, there were others, much larger figures, who were installed in these positions by the people of the country, who are the original landlords of democracy. And the same people, the same landlords of democracy, also removed those tall figures from these positions. These are not your permanent positions. You are tenants, you are not landlords. And we request the Prime Minister, the Home Minister, the entire cabinet to start focusing on governance, to start thinking of the country and stop thinking about their friend. Thank you. Sir, ek jo Delhi mein budget wala vivad hai, us par aap kya kehna chahenge?
आरोप लगाया जा रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से कि केंद्र सरकार ने बजट पेश नहीं होने दिया। जो आज स्थिति दिल्ली की हो गई है, 15 साल आपने दिल्ली में कांग्रेस का शासन देखा, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, उन 15 सालों में 5 साल एनडीए का शासन था, अटल जी प्रधानमंत्री थे, अडवाणी जी गृहमंत्री थे, सीधा सीधा दिल्ली को देखते थे, लेकिन ऐसी स्थिति हमने कभी नहीं उत्पन्न होने दी। ताली दो हाथ से बजती है मैं मानता हूं, न उस वक्त केंद्र के नेतृत्व ने ऐसी कोई स्थिति इस स्तर तक ले जाने की चेष्टा की, और राज्य सरकार तो परिपक्व सरकार थी ही, शीला दीक्षित जी जानती थी कि कैसे दिल्ली के हितों से बढ़कर कोई ईगो नहीं, कोई अहंकार नहीं होता, वन अपमैनशिप नहीं होती, तो उन्होंने उसी तरीके से दिल्ली को बनाया, संवारा, बसाया। मेट्रो उसी वक्त चालू हुई, तब एनडीए का शासन ऊपर था और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त बड़े बड़े अप्रूवल्स आए जिसमें आश्रम फ्लाईओवर हो, धौलाकुआं फ्लाईओवर हो, तमाम जो 150 के लगभग फ्लाईओवर्स बने उसमें कई कई फ्लाईओवर्स में निर्माण के कार्यों में केंद्र सरकार की अनुमति की आवश्यकता होती थी, वो हमने ली। पानी जल वितरण को लेकर सोनिया विहार ट्रीटमेंट प्लांट, तो ऐसे कई मैं आपको उदाहरण गिना सकता हूं क्योंकि उस वक्त मैं सरकार का हिस्सा था। ऐसा होता था, विवाद भी होता था, लेकिन संवाद कभी खत्म नहीं होता था, और संवाद करके दिल्ली के लोगों के हितों की रक्षा शीला दीक्षित करने को हमेशा तत्पर रहती थी। ये पहली बार हो रहा है कि जो दिल्ली सरकार के हाथ में अधिकार थे वो तक अरविंद केजरीवाल जी ने कोर्ट में जाकर एक ऐसा काम किया जिससे वो अधिकार भी कम हो गए। तो अगर आपके आपकी प्राथमिकता दिल्ली के लोगों की हितों की रक्षा करना है, तब आप राजनीतिक अहंकार से हटकर सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के लोगों की, आपके वोटर्स के लोगों की हितों की आप रक्षा करेंगे, ये होते हुए हमने देखा नहीं। यू कैन आस्क पीपल हु आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट अनदर फ्रेंड, हाउ डिड दिस हैपन? दिस कॉल्स फॉर अ सस्टेन्ड कैंपेन अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट सो दैट वी कैन एक्सपोज देम ऑन ऑल द टॉल क्लेम्स दैट दे हैड मेड अबाउट मेहुल चोकसी। सो इट सो हैपन्स नाउ दैट अनदर मैन हु वॉज नोन टू बी क्लोज टू द एस्टैब्लिशमेंट has managed to get away, to go scot-free. Sir, मैं फिर से एक बार बजट पे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये नूरा कुश्ती लगती है या कोई गंभीर, बहुत गंभीर मामला है कि बजट पेश नहीं कर पाई दिल्ली सरकार? देखिए, गंभीर तो है, भले ही नूरा कुश्ती भी हो तो भी गंभीर है, क्योंकि लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, दिल्ली की जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो आप नूरा कुश्ती करते हैं, कभी आप पति पत्नी और वह बनाकर उनको पेश करते हैं कि चलिए साहब, कांग्रेस को अगर नीचे दिखाना हो, नीचा करना हो तो आम आदमी को इस्तेमाल कर लो, ये चलता रहेगा, ये करते रहें, लेकिन दिल्ली के लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है कि आप उनको सजा देते हैं? ये दोनों से सवाल है मेरा। पवन सर, एक और सवाल, आम आदमी पार्टी की सरकार से जुड़ा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने गैर कांग्रेसी, गैर भाजपा शासित जो राज्य है उनके मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी है और कहा है फ्रंट बनाने की बात वो कर रहे हैं। पहले दिल्ली तो संभाल लीजिए, आप दिल्ली का बजट तो पेश कर नहीं पा रहे, चले हैं पूरा देश पे झंडा फहराने, यही हैरानी की बात होती है, हंसी भी आती है। आपको दिल्ली के लोगों ने दो बार चुना, ढाई बार चुना, चलिए पहली बार आप भाग गए, दूसरी बार आपने क्या किया क्या नहीं किया चलिए वो भी छोड़ दीजिए, हमने उस पर कई बार चर्चा की है, तीसरी बार ये स्थिति आ गई कि आप बजट तक नहीं पेश कर पा रहे और चले हैं साहब कि मैं अब लाल किले पे ही झंडा फहराऊंगा, फहरा लीजिएगा वक्त आने पर, लेकिन पहले दिल्ली का तो कुछ करिए। चले भागू मैं, एक सबको देना पड़ेगा सर, छोटा छोटा ले लीजिए, एक बाइट हमें भी दे दीजिए। Thank you.
अरे आप क्या कर रहे हैं, आप किस पर अटैक कर रहे हैं? सर इधर आ जाइए, सर थोड़ा ज्वाइंट पीसी नहीं कर रहे, आइए।